हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है संडे का दिन और संडे के दिन सब लोग कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं, या तो बहुत सारे लोग सिर्फ रेस्ट लेते हैं। लेकिन आज मैं स्पेशल कर ही रही हूँ, स्पेशल करने के साथ साथ मैं रेस्ट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि अभी बीच में 2-3 दिन पहले दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो बारिश होने का सबसे ज़्यादा नुकसान शायद मुझे हुआ है। क्योंकि मेरी जो भी मेरे सारे नए कपड़े रखे हुए थे अलमारी में, पता नहीं कैसे एक छोटी सी चूहिया घुस गई और उसने कोहराम मचा डाला है, बुरे तरीके से कोहराम मचा डाला है। और उसकी वजह से मुझे मेरा बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। पूरी अलमारी के कपड़े आप लोग देख सकते हैं मेरे बेड पे फैले हुए हैं, सारे नए कपड़े मेरे बेड पे फैले हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें से कुछ कपड़े चूहिया ने इतने बुरे तरीके से काट दिए हैं, नए के नए कपड़े हैं, और 2-3 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम उसने कर दिया। और मतलब ऐसा हुआ, मैं समझ भी नहीं पाई कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और पता भी नहीं चला मुझे। लेकिन अभी जब मैंने अपनी अलमारी देखी, खोली मैंने अपनी अलमारी, तो जब अंदर के कपड़े, मैंने कल आवाज खाली बैठी हूँ तो अलमारी अपनी सेट कर लेती हूँ, जब मैंने अलमारी खोली और कपड़े निकालना शुरू करा तब मुझे दिखा कि अच्छा, तो चूहिया घुस गई है और उसने ये काम शुरू कर दिया है। अलमारी के अंदर की हालत मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अलमारी के अंदर की हालत आप लोग देख सकते हैं, चूहिया ने क्या करा है। कुछ इसमें कॉपी वगैरह भी रखी हुई थी, तो वो मैंने अभी यहाँ से जो है साफ़ कर दिया है, और ये कोने का भी साफ़ कर दिया है। और ये देखिए, इसके अंदर, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, इसके अंदर का भी मैंने अभी साफ़ किया है। और अभी मैं इसको अच्छे से क्लीन करके और अपने सारे पेपर वगैरह बिछा के और अपने कपड़े जो है वो फिर से मैं ठीक से लगाऊंगी। तो देख लिया आप लोगों ने चूहिया ने क्या कोहराम मचाया है, क्या किया है और मेरे लिए कितना काम उसने बढ़ा दिया है। तो जी, किचन में मेरा खाना बन रहा है, और खाना बनते बनते ही मैं आज दोनों तरफ भागने वाली हूँ, एक साइड किचन में और एक साइड अपनी अलमारी ठीक करने में। तो अभी मैंने आपको यहाँ का हाल दिखा दिया है, चलते हैं किचन की तरफ। तो मैं किचन में आपको दिखाती हूँ कि भाई आज मैं स्पेशल क्या बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। तो जी, आ गए हैं किचन में और चूल्हा सिम सिम। तो जी, संडे स्पेशल में आज बन रहा है मेरा चिकन अचारी, देख सकते हैं आप लोग, पकने रख दिया मैंने। और जैसे ये पक के तैयार हो जाएगा, इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, देखिए चम्मच ला दिया इसमें मैंने, तो अभी ये पकता रहेगा तेज आंच पे, बन रहा है। तो चलते हैं बैक ऑन ट्रैक, चलेंगे कमरे में और ठीक करेंगे अपनी अलमारी, और चूहिया का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कपड़े तय करना मैंने शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, ये मेरी वाइट कलर की बहुत मेरी फेवरेट ड्रेस है, ये देखिए, ये ड्रेस मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मगर चूहिया ने इसका क्या हल किया है, देखिए, इस तरह का ये फ्लेयर वाला स्कर्ट है और इसके साथ कुर्ता जो है वो अटैच है, तो देख पा रहे होंगे आप लोग। और इसमें चूहिया ने क्या किया है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये देख रहे, चूहिया ने इस पर दांत मार रखे हैं जगह जगह, ये देखिए क्या हाल करा है चूहिया ने मेरी नई की नई ड्रेस का। देखिए, पास से दिखाती हूँ, दिख रहा है आपको, ये देखिए उंगली बाहर आ गई है, इसने मेरी ड्रेस में आंखें बना दी हैं। ये देखिए, पूरा खरोच मारा है इसने यहाँ से भी, और ये देखिए देख पा रहे हैं आप लोग उसने क्या हाल किया मेरी नई की नई ड्रेस का, पूरी ड्रेस जगह जगह से ख़राब कर दी है। और ये ड्रेस मैंने हार्डली एक या दो बार ही पहनी है, हार्डली दो बार पहनी होगी, और उसने मेरी पूरी ड्रेस बर्बाद कर दी, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन ठीक है, क्या करें, बारिश हुई। एक्चुअली जहाँ मेरी बालकनी है वहाँ घर के नीचे ना एक नाला है, नाला तो बंद है, बट जब भी बारिश होती है उस नाले में पानी भर जाता है, और जो भी चूहिया या चूहे होते हैं वो पता नहीं कैसे घर के अंदर आ जाते हैं। काफ़ी टाइम से नहीं आए थे, बट इस टाइम पता नहीं कैसे दो छोटी चूहिया घर में घुस गई और उन्होंने ये बर्बाद कर दिया। आप लोग देख रहे हैं कितना मुझे दुख हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, ये देखिए। चलिए देखते रहेंगे, धीरे धीरे आपको दिखाती रहूँगी उन्होंने और क्या क्या काटा है। मेरा एक रेड कलर का बैग था जो मैंने रिसेंटली नया लिया था 2-2.5 महीने पहले, वो भी उन्होंने कुतर दिया, वो भी मैं आप लोगों को दिखा। तो ये देखिए, ये मेरा नया का नया बैग है, और इसका क्या हाल कर दिया आप लोग देखिए, ये देखिए क्या हाल कर दिया इसका, पूरा
ये देखिए, ये भी, ये सारा, ये सब कुतर दिया है। और इसकी जो ये देखिए तनी होती ना, ये हैंगिंग इसकी, वो भी पूरी काट दी है। मेरा नया का नया बैग इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं बैग की क्या हालत करी है, नया का नया बैग काट दिया सारा, ये देखिए। और अंदर से भी काट दिया है, ये नहीं कि अंदर से छोड़ दूँ, अंदर से भी काट दिया पूरा बैग, देख सकते हैं आप लोग। देखिए पूरा अंदर से भी काट दिया है इसको, कि ठीक है क्या कर सकते हैं। चलो जी स्टार्ट। तो कपड़े सेट करते करते मुझे याद आया कि मैंने गैस पर चिकन पकने रखा है, एक नुकसान तो हो ही गया। पता चला कि कपड़ों के चक्कर में मैंने चिकन भी जला दिया, तो मैं फटाफट भाग के आई हूँ चिकन को चेक करने के लिए। तो दिखाती हूँ आपको चिकन की शक्ल। तो यहाँ देखिए चिकन मेरा काफ़ी हद तक भुन चुका है, और इसमें मैंने मेथी और थोड़ी सी कलौंजी ऐड की है, और साथ में मैं इसमें डालूँगी सौंफ और धनिया, ताकि इससे इसमें एक अचार का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये धीरे धीरे पकता रहेगा। चिकन अचार ही मेरा बनने वाला है, ऑलमोस्ट मैंने इसमें अचार का मसाला ऐड कर दिया है। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो मेरे कुकिंग चैनल तबस्सुम्स वर्ल्ड पे चिकन अचार की डिटेल रेसिपी है, और बहुत अमेजिंग, बहुत यम्मी बन के तैयार होता है। नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। मेरे बच्चों का आजकल तो ये मोस्ट फेवरेट है, तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। चिकन अचारी रेसिपी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जी किचन में चिकन को चेक करने के बाद, मैं आ गई हूँ वापस से अपने कमरे में। और देखिए इसका जो रॉड है अलमारी का, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, मैंने वो निकाल के सीधा किया, और जो कपड़े मैंने चेक कर लिए थे उनको झाड़ के और अच्छे से वापस से मैं हैंगर में लगा दूँगी। और मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है साथ में, तो हम दोनों मिलकर फटाफट से अलमारी सेट कर देंगे। तो बस इस चूहिया ने ऐसा कोहराम मचाया, मेरा तो दिल ही दहल गया देख के, इतना नुकसान कर दिया एक छोटी सी चीज़ ने, और दिख भी नहीं रही अब कहाँ चली गई है। बट आज रात को मैं पिंजरा लगाऊंगी ताकि वो पकड़ में आ सके, और उसे फिर से बाहर छोड़ूंगी कि भैया बाहर से आयो, बाहर ही जाओ, और घर में और नुकसान मत करो। तो देखिए एक एक कपड़ा मैं चेक कर रही हूँ उसने क्या काटा और क्या नहीं काटा है। मुझे अपनी साड़ियों से बहुत प्यार है, तो मैं अपनी एक एक साड़ी खोल के चेक कर रही हूँ अच्छे से, ताकि मतलब उसने कहाँ से काटा और उसमें क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता। तो प्लीज़ आप भी बारिशों में अपने घर का ध्यान रखिए, कहीं आपके घर में भी आपको पता ना चल रहा हो और चूहिया ने जो है घुस के कोहराम मचा दिया हो। तो साड़ियाँ मालिक का शुक्र है सब। हाँ जी, तो एक नुकसान और मेरे सामने आया है, दो नुकसान मैंने आपको दिखा दिए, वाइट ड्रेस, रेड वाला पर्स मेरा, और ये मेरे पास एक पोंचू वाली ड्रेस थी, ये देखिए इस तरह की, इसके अंदर ब्लाउज होता है और नीचे स्कर्ट होती है, ऊपर से पोंचू टाइप का होता है, आप लोग ये देखिए इस तरह का। इसका ब्लाउज और स्कर्ट तो सेफ है, बट इसका जो पोंचू है वो चूहिया ने इतने बुरे तरीके से काटा है, ये देखिए ऐसा काटा है, इसमें से तो पूरा हाथ ही बाहर आ गया है, ये देखिए पास से दिखा रही हूँ आपको मैं, क्या करूँ इस नुकसान का मुझे समझ में नहीं आ रहा, किस तरह से इसको मैं ठीक कराऊँ, क्या करूँ। नए की नई ड्रेस जो है इन्होंने मेरी बर्बाद कर दी, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि एक नुकसान नहीं है, कई सारे कपड़े इन्होंने मेरे काट मारे हैं, और ये नई की नई ड्रेस थी पहुँचूँ, ये भी इन्होंने बुरे तरीके से कुतर दी है, इसको मैं किस तरीके से ठीक भी नहीं करा सकती। देखती हूँ अगर कुछ इसका कर सकूँगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चिकन अचारी हमारा बनके तैयार है, ये इसकी फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। तो इसकी डिटेल्ड रेसिपी जो है मेरे कुकिंग चैनल पे अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेक कर सकते हैं। वन मोर थिंग, ये देखिए कैसे काटा है चूहे ने इसको, कैसे बर्बाद कर दिया है, देख रहे हैं ना आप लोग, नया का नया मेरा बैग पूरा एकदम काट दिया। मैं आपको कैसे दिखाऊंगी, देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखिए बुरे तरीके से काट दिया इसको, और ये मैं यूज़ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से इसको काट मारा है चूहे ने। ठीक है जी, कोई बात नहीं, पुराना सामान जाएगा तभी तो नया आएगा। ये देखिए कैसे दिखाऊँ मैं आपको, देखिए कैसे काटा है, देखिए, और पीछे से कुछ कुछ जी की आवाज़ आ रही है, वो आपको हेलो बोल रहा है ब्लॉग में,
और कह रहा है कि प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। आप लोग तैयार हो ना, तैयार हो ना एक चीज़ और देखने के लिए। देखो ये दस्तरखान है जो टेबल वेबल पे भी छाते हैं और ये बिस्तर पे भी छा के खाना खाया जाता है, तो हम लोगों में उसे दस्तरखान बोलते हैं। तो ये देखिए ये क्या किया है, ये देखिए तो ये भी उसने ठिकाने लगा दिया। देख रहे ना आप लोग कैसे ट्रांसपेरेंट हो गया, ये दोनों तरफ से काट दिया, तो ये टू साइडेड था और ये भी उसने अच्छे से काट दिया, जगह जगह से कई जगह से काट दिया। ये भी देखिए इधर से भी काट दिया, दिख रहा है ना आपको पीछे से ट्रांसपेरेंट, ये देखिए। तो फाइनल लास्ट नुकसान हमारा ये किया है उसने, और जो भी नुकसान किया वो मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर किया। मन बहुत दुखी हो रहा है लेकिन ठीक है, अब वो आ गई घर में और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। जब मैंने देखा तो जो मैं कर सकती थी बेस्ट वो मैंने किया। इस बहाने मेरी अलमारी भी सेट हो गई, सेट थी हालांकि, लेकिन मुझे लग रहा था क्योंकि रात में जब मैं सो रही थी तो चूहिया की खड़खड़ करने की आवाज़ आ रही थी अलमारी में कुछ काटने की। तो सुबह मैंने सबसे पहले नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहले अलमारी का सामान निकाला सारा और देखा तो मुझे ये हाल मिला है। तो ठीक है जी, अब जो हो गया तो हो गया, कुछ कर। हाँ जी, वेलकम बैक, वेलकम बैक। एक चीज़ और लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोग कहोगे कैसी पागल है, नुकसान कैसे खुश हो के दिखा रही है, लेकिन अब मुझे अजीब लग रहा है इतना, मैं क्या बताऊँ। ये देखिए ये मेरा हेयर ड्रायर है और हेयर ड्रायर का उसने क्या हाल किया, ये देखिए, देख रहे ना आप लोग कैसी वायर का और क्या किया उसने, किस बात की चिड़ निकाली चुहिया ने मुझसे, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। अगर मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी उससे कि उसने किस बात की चिड़ निकाली आखिर मुझसे, ये देखिए। और इधर तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया बेचारी, तार को नंगा कर दिया एकदम ही। ये देखिए पूरे ड्रायर की तार उसने अच्छे से काट दी है, बाकी ठीक है। तो मेरी अलमारी ऑलमोस्ट डन होने वाली है, तो अलमारी ठीक करते ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और फिर आप लोग बताइएगा कि मैंने अलमारी को कैसे सेट किया है। हाँ जी, अलमारी सही करते करते मेरे पसीने छूट गए और फाइनली 2 घंटे लग के मेरी अलमारी साफ़ हो गई है और मैंने सारी अलमारी जो है अपनी अच्छे से सेट कर ली है। मेहनत तो लगी और नुकसान भी हुआ लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो होना लिखा था वो हो गया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी अलमारी का फाइनल लुक, मैंने किस तरीके से अपनी अलमारी दोबारा से सेट की। तो देख सकते हैं आप लोग मेरी अलमारी सेट हो गई है। ये हैंगर में मेरी साड़ियाँ टंगी हुई हैं और कुछ एक ड्रेसेस हैं जो कॉटन की हैं वो मैंने लगाई हैं। साइड में मेरे थोड़े हैवी जो ड्रेसेस हैं वो मैंने लगाए हैं सारे। और यहाँ पर बुक्स वगैरह रखी हैं जो बच्चों के काम की हैं। साइड में मेरे जो सिर्फ मेरे पास 3 हैंडबैग बचे हैं ये सिर्फ वही है, और बाकी जो चूहों ने काट दिए 2-3 हैंडबैग वो मैंने निकाल दिए। साइड में मेरे बैग्स वगैरह रखे हैं और ये सारे नए कपड़े जो मैंने पॉलीथीनों में दोबारा से कैरी बैग में डाल के और उनको सब चेक किया है मैंने, कोई इसमें से कोई कपड़ा नहीं काटा, शुक्र है बच गए हैं। तो ये सब मैंने रख दिए हैं, वो देखिए। तो ये सारे कपड़े मैंने पॉलीथीन में डाल के फिलहाल रख दिए हैं और मेरी अलमारी अब ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग पहले कैसी थी और अब कैसी लग रही है, और काफ़ी हद तक मेरा बेड भी खाली हो गया है, बस ये छोटा मोटा सामान बचा है इसको मैं अभी समेट लूँ। हाँ जी, तो इस बारिश की जो सबसे बड़ी भुगतान करना पड़ा चूहिया की वजह से वो मुझे करना पड़ा है। मेरे हाथ आप लोग देख सकते हैं कैसे हो गए हैं, देखिए। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और चिकन अचारी की रेसिपी जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिटेल्ड रेसिपी आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही अभी बहुत अमेजिंग बन के तैयार होता है। बच्चों ने लंच कर लिया है, मैं सिर्फ अभी चाय पीऊँगी क्योंकि काम करते करते मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। सुबह का नाश्ता किया हुआ है तो अब मैं नहाऊंगी, नहा धो के तैयार होंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और बारिश में अपनी भी अलमारियों का ध्यान रखिएगा क्योंकि चूहिया का कुछ पता नहीं होता वो कब कहाँ से घुस जाएगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।